वतन जिसका है हिंदुस्तान वो तकदीर वाला है। माँ के प्यार सा मेरा हिंदुस्तान, मिला ना उससे मेरा दिल कमाल करता है। लास्ट में ये पता चला कि कोई नहीं आया पुलिस में, और लाइटिंग में सबसे जबरदस्त जो लाइटिंग लगता है ना वो मुझे ताज होटल का लगता है। वेलकम बैक टू ब्लॉग चैनल, आप सभी का स्वागत करते हैं इस पेरिस ब्लॉग में। आज 26 जनवरी है, आप लोग ने दिन वाला ब्लॉग देखा होगा, ये अभी नाइट का समय है। मैं नाइट के समय में गेटवे ऑफ इंडिया आया हूँ यहाँ का ब्लॉग शूट करने के लिए। 26 जनवरी के शुभ अवसर पर यहाँ पे इवेंट हो रहा है, वही मैं दिखाने आया था आप लोग को, और यहाँ का नाइट का व्यू दिखाने के लिए मैं यहाँ पर आया था। और अभी रात के 8 बज रहे और काफ़ी भीड़ भाड़ है। सबसे पहले आप पहले ले चलता हूँ उस इवेंट में, इवेंट का कुछ वीडियो आपको दिखाता हूँ, फिर आगे की बात आगे करेंगे। तो चलिए सीधा इवेंट में ले चलते हैं। लोग तो लोग हैं, क्या उन पर भरोसा कीजिए, फिर जरा वक्त पड़ा और किनारे हुए लोग। सबके खातिर दुख सहे सबका रखे ध्यान, मेरी माँ के प्यार का मेरा हिंदुस्तान। और ये कदम समाज माने की पसंदों में के महकते ख्वाब वाला दिल नशी ताबीर वाला है। हेलो, महकते ख्वाब वाला हेलो दिल नशी ताबीर वाला है, धड़कते लफ्ज वाला पुरकशिश तकरीर वाला है, बरसते अब्र हंसते खेत खिलते फूल कहते हैं, वतन जिसका है हिंदुस्तान वो तकदीर वाला। पूरी आई एक चिट्ठी में एक नामा तमाम आया, किसी खत में दुआ आई किसी खत में सलाम आया, और ये टुकड़े भी तूने दिल के तो आखिर किए कैसे, न तो तेरे ही काम आया न तो मेरे ही काम आया। काफ़ी गजब गजब की शायरी बोल रहा था, काफ़ी लव स्टोरी सारी, वो काफ़ी रिलेट कर पाता, मैं खुद से भी और जन रिलेट कर पाता था, कितना गजब का शेर व शायरी अभी सुनने को मिला, आप लोग देखे ही होंगे। तो यहाँ की जो लाइटिंग है ना वो गजब का लगा हुआ है, चाहे गेटवे ऑफ इंडिया को या आसपास का लगा, और सबसे ज़्यादा और लाइटिंग में सबसे जबरदस्त जो लाइटिंग लगता है ना वो मुझे ताज होटल का लगता है। उसका जब वो यहाँ पे जब भी मैं विजिट करता हूँ ना तो उसका लाइटिंग आकर्षण का एक केंद्र बन जाता है, इतना खूबसूरत उसका लाइटिंग, ऊपर का जो लगता है ना गुंबद में जो लाइटिंग किया है ना वो इतना खूबसूरत लगता है ना, एकदम मन वो हो लेता है। इस तरह से उसका लाइटिंग किया, आपको उसका झलक दिखाता हूँ। कम लग रहा होगा क्योंकि एक्सटर्नल लाइट और जो कंपाउंड में लगा है इस वजह से उसका लाइटिंग थोड़ा ख़राब दिख रहा होगा, बट उसका लाइटिंग बहुत ही गजब दिखता है। अभी रात के 8:30 बज रहा है और यहाँ पे पब्लिक का अभी भी आना रुक ही नहीं रहा है, इतना ज़्यादा पब्लिक अभी भरा है। और रात के समय भी ना यहाँ पे फेरी चलता है, आप रात के समय भी समुद्र का ट्रिप कर सकते हैं। जो फेरी होता है 100-200 रुपये लेता है चार्जेस, वो फेरी 150 रुपये लेता है और एक घंटे का ट्रिप रहता है, आपको समुद्र में यहाँ से टूर करवा के ले आएगा। और दूर दूर के टूर, अभी रात को शायद दूर जाता ही नहीं जाता मुझे नहीं पता, बट रात को भी यहाँ पे शिप का सेवा अवेलेबल है। सबको तभी साइड किया कि कोई VIP आदमी भी आने वाले हैं, बट सब क्षेत्र में से सब लाइन में लगा हुआ था कि कौन आएगा कौन आएगा, सब सोच भी रहा था क्या पता CM आएगा उप CM आएगा कौन आएगा नहीं आएगा, बट लास्ट में ये पता चला कि कोई नहीं आया, पुलिस वेरिफिकेशन करके चले गए और सब मायूस हो गया कि कोई आने वाला था देख लेता एटलीस्ट, बट आया कोई भी नहीं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कौन आ रहा है नहीं आ रहा, उसके बाद आपको तो यहाँ पे अभी भी काफ़ी भीड़ है, 9 बज रहा है रात के, और 9 बजे भी यहाँ पे आपको भीड़ बहुत दिखाई दे रही होगी। अभी मेरे पीछे आपको दिखाई दे रही होगी कितना ज़्यादा भीड़ है, इधर शेर व शायरी चल रही है अभी तक, और रात में ये लगभग 10-11-12 भी बज सकता है इस शेर व शायरी को ख़त्म होते होते। आज से यही ब्लॉग था, ये ब्लॉग कैसा लगा
अपना फीडबैक जरूर शेयर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। और एक बात, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट करें जरूर बताइए ब्लॉग कैसा लगा। कुछ मिलते हैं किसी अनदर ब्लॉग के साथ। जय हिंद, जय भारत।